क्षेत्रीय विधायक द्वारा किया गया रामलीला का फीता काट कर शुभारंभ प्रीतम सिंह लोधी। पिछोर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बनपुरा में विधायक प्रीतम सिंह लोधी द्वारा रामलीला का फीता काट कर शुभारंभ शुरू करवाया गया। इस मौके पर प्रीतम सिंह लोधी ने ग्राम के लोगों से आग्रह किया है कि रामलीला से हमें ये प्राप्त होता है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान और छोटों का आदर भाव करना चाहिए, हमें भगवान के जैसे भाईचारे के साथ रहना चाहिए। विधायक प्रीतम सिंह ने पब्लिक के बीच नीचे बैठ कर देखी रामलीला। निवेदक है, हमारी माताएं बहने नौजवान साथी बजरगण सबको धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। रामायण रामलीला जो हम अब तो क्या टीवी चल गए, जब टीवी नहीं थे तब इन्हीं के माध्यम से गांव में हर गांव गांव कराते थे। पहले हम इतिहास को दोहराते थे कि राम ने क्या किया, राम ने अच्छे काम किए तो राम जैसे बने, रावण ने क्या किया तो रावण ने बड़े काम किए तो वो ना करें। ये इतिहास की चीजें हम लोग करते थे तो हम वैसे ही चिन्हों पर चलते थे जो रामलीला वाले हमको बताते थे। हम भी छोटे थे, रामलीला को 5 किलोमीटर दूर थी, होती सर्दियों में जहां भी होती थी जाते थे, रामलीला रोज देखते थे तो रामलीला से कुछ सीखने को मिलता है। हम कह रहे दिल से वास्तव में ही हमको सीख रहे हैं, जो पाठ करते हैं उस समय तक के लिए हमको ऐसा लगता है कि हमारे सामने बिल्कुल साक्षात गणेश जी है, हमारे सामने जो रोध कर रहे हैं वो साक्षात राम भगवान है, हमारे सामने और दुष्टता कर रहा है रावण है। ऐसी चीज हमको पहले से रहती थी, साक्षात ये ही है। उस समय हम देखते थे इतने खो जाते थे कि हमें वो युग याद आने लगता था कि पहले का ही, जैसे साक्षात राम जी कर रहे हैं, रावण कर रहा है, भरत क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, सीता जी क्या कर रहे हैं, कहीं तो वनवास होता था भाई, पहला रोने लगती थी, सोचते थे कि हमको तो साक्षात ही देख रहे हैं कि हम सीता जी पर कष्ट पड़ रहे हैं। ऐसी चीजें हम इन्हीं से ही सीखते थे, पहले यही माध्यम था हम लोगों को अच्छा बुरा जो भी है वो हमको हमारी आंखें खोलने के लिए, हम पर दिखाने के लिए पहले यही माध्यम होता था, इसी माध्यम से सीखते थे। चलो आपका काम ने आज भी वो माध्यम जिंदा रखा है, मैं उसके आए हुए को धन्यवाद देता हूँ, अच्छे काम करें बस इतना जरूर कहूंगा मैं कि भगवान ने हमको अगर मनुष्य का जीवन दिया है, ये मनुष्य का जीवन सब जितने भी योनियां हैं सब में सर्वश्रेष्ठ जीवन अगर माना है तो वो मनुष्य योनि का माना है। करोड़ों योनियां होती हैं, बंदर बिल्ली चूहे कीड़े मकोड़े जन कितने